गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 14.3 के मीडियन के क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी हमने पहले भी मीडियन के क्वेश्चन किए हैं, आज हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें अननोन हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ऑलरेडी मीडियन हमें गिवन है। तो हमें ये मीडियन की वैल्यू के से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें मीडियन आपको गिवन है तो आप क्या करोगे, मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। तो सी एफ हम निकाल देंगे, तो 5 + x 25 + x। आप देख रहे हो ना कि ये मैं न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर रही हूँ। देखो 5 + x, फिर 5 + 20 = 25, फिर 25 + x, अगेन 25 + 15 कितना हो गया, 40 + x, फिर होगा ये 40 + x + y, और ये होगा 45 + x + y। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो टोटल मीडियन की टोटल जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी सी एफ की लास्ट वैल्यू होती है, इसलिए आप लिख सकते हो कि सिंस 45 + x + y क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ये टोटल वैल्यू 60 दिया हुआ है। इट मीन्स कि x प्लस वाई की वैल्यू होगी 60 - 45, तो एक्स प्लस वाई आ गया 15 आ गया। ओके, ये हमारा एक रिलेशन है जिसका हम आगे भी जाके यूज करेंगे। ओके, अब आपको पता है कि मीडियन इक्वल क्या होता है, जो भी फार्मूला है वो आप लिखोगे, तो एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ आई इंटू एच करोगे। अब देखो मीडियम हमें क्या दिया हुआ है, 28.5, तो 28.5 तो आपकी इस वैल्यू के बीच में लाई करती है ना, तो आपका ये जो है ये मीडियम क्लास है। ओके, अब मीडियम क्लास का ये लोअर पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और सी एफ जो है हमेशा इसका प्रीवियस लेते हैं, तो ये हमारा सी एफ हो जाएगा। ओके, अब हम सारी वैल्यू डाल देते हैं। ओके, तो मीडियम की वैल्यू हमारी क्या है, 28.5 है, और एल की वैल्यू है 28। ओके, एन वाई टू यानी 60 का हाफ कितना होता है, 30, माइनस सी एफ जो है वो क्या है, 5 + x, और अपॉन में एफ यानी कि 20 है, और क्लास रूट जो है वो हमारी 10 है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर लाके इसको माइनस कर दोगे, और इसे आप सॉल्व करोगे तो 30 - 5 - x / 20 × 10। तो देखो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। ओके, अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 8.5, और ये 2 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 8.5 × 2 इक्वल ये 25 हो गया, और माइनस एक्स हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 79 हो, 25 - x, तो x को आप इधर ले आओगे तो -x + हो गया, और 25 और 17 को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 8 आ गया। ओके, अब देखो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या कह रहा है कि x + y 15 है। ओके, और x की वैल्यू मुझे मिल गई है कि ये 8 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 15 - 8 = 7 हो गया। इट मीन्स कि एक्स 8 है और वाई 7। इस तरह से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब हम एक मीडियम का क्वेश्चन वैसा करेंगे जो कि जिसमें लेस देन की का टेबल हमें दिया गया, और उससे हम मीडियम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में नॉर्मल टेबल ना देके आपको क्या दे रहा है, लेस देन का टेबल दिया हुआ है, लेस देन यानी कि बिलो का टेबल दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, ये आपको क्या दिया हुआ है, एज दिया हुआ है,
अब देखते हैं पॉलिसी जब होती है तो उसमें एज को काफी वैल्यू दी जाती है, तो बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60। और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है, ये दिया है 2, फिर 6, फिर 24, 45, 78, 89, 92, 98 and 100। अब देखो जब भी हमें बिलो का, मोर का, लेस देन का ऐसे करके अगर आपको क्लास इंटरवल में दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि ये आपका क्या है, सीएफ वैल्यू है, ये लेस देन का क्या है, सीएफ है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब आप इसमें गलती सुधारने के लिए आप यहाँ पे लिख दो कि ये आपका क्या है, सीएफ है, लेस देन का सीएफ है। क्या है ये, लेस देन का सीएफ। ओके, अब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड किए हुए तो आप कुछ निकाल ही नहीं सकते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखो इसका प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, तो ये एज इट इज आएगा। अब आप देखो 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, 24 में से 6 जाएगा तो 18, 45 में से 24 गया तो 21, 78 माइनस 45 तो 33, और 89 माइनस 78 गया तो 11, 92 को 89 से किया तो 3, और ये 6 और ये 2 आ गया। ओके, अब आप मीडियन का फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, तो करते हैं। अब देखो मीडियन हमें इसमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये 100, ये n की वैल्यू क्या है हमारी 100 है ना, तो n बाई 2 जो होगा वो क्या होगा, 100 बाई 2 ये 15 आ गया। अब 15 जो है वो हमारे किस में आ सकता है, इसमें आ सकता है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो 50 से लेस है, तो इसे हम नहीं ले सकते, इसको लेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें क्रॉस इंटरवल को भी रेगुलर करना है, तो रेगुलर करने का मतलब है कि आप देख रहे हो कि 5-5 का गैप है ना, तो आप इसे भी लिख दो 15 to 20, 22 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और ये हो जाएगा 35 to 40, ये 42 to 45, 45 to 50, और 50 to 55, और 55 to 60। इट मीन्स कि ये हमारा लोअर पॉइंट है। ओके, ये हमारा, सॉरी, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, और इसका हमेशा प्रीवियस लेते हैं तो ये हमारा शेयर। ओके, अब मीडियम में हम सारी वैल्यू 1/1 डाल देते हैं, तो एल की वैल्यू क्या है, 35 प्लस एन वाई 2 यानी कि 50 है, माइनस सी एफ क्या है, 45, और एफ की वैल्यू क्या है, 33, और एच की वैल्यू 5 है, क्योंकि क्लास वीडियो हो क्या है 5 है, तो 5 हमने लिख लिया। ओके, 35 प्लस 50 में से 45 किया तो 5 अपॉन में 33 इंटू 5। अब देखो ये तो नंबर कट नहीं रहे हमारे, तो 35 प्लस 25 बाई 33। अब आप इसे डेसिमल में चेंज करो, तो 33 को 25 से आप डिवाइड करते हो, ये 7 टाइम्स में जाएगा मेरे ख्याल से, तो 9, अब 4 में से 3 गया तो 1, फिर एक डिजिट 0 उतारोगे तो ये 6 वाले में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.76। अब इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 35.76। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर ये 3 में मीडियम वैल्यू निकाल दिया, और वो मीडियम वैल्यू क्या है, 35.76 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से हम
लेस देन का सीखा। अब अगली क्लास में मैं मोर देन का अगर कोई टेबल है तो उससे कैसे मीडियन निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।